बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बटर चिकन बनाऊंगी, मगर इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज है और मैं इसमें चिकन के मसाले के जगह मैं इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करूंगी। ठीक है, तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई को अच्छी तरह गर्म हो लेने देना है और उसके बाद जब वो गर्म हो जाएगी तो आपने इसमें बटर डालना है और बटर आपने जो है वो बारी बारी डालना है। तो तकरीबन आपको 3 से 4 टेबल स्पून बटर चाहिए होगा। आपको चॉप लहसुन और अदरक चाहिए होगा और आपने इसको थोड़ा सा पहले आपने मक्खन कढ़ाई में डाला है और उसको थोड़ा सा पिघल लेने देना है। उसके बाद इसके अंदर सारा जो चॉप गार्लिक था और जिंजर है वो आपने इसको अंदर डाल देना है। ठीक है, फिर आपने लहसुन अदरक का जो है उसको थोड़ा सा पकाना के वो थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर ले। फिर आपने ब्रीक कटे हुए प्याज लेने हैं और प्याज़ों को आपने इसमें डाल लेना है और इसको अपने मक्खन के साथ बार बार फ्राई करना है। क्या फिर थोड़ी देर बाद इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन डालना है ताकि जो ये प्याज हैं वो काफ़ी क्रीमी हो जाए। जैसे आपने देखा कि जो प्याज है वो काफ़ी क्रीमी हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे और चिकन डालने के बाद हम इसके अंदर बाकी जो हमने मसाले ऐड करने हैं वो डालेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं जो है वो डालूँगी ओरिगैनो, चुटकी भर सा आपने डाल लें और अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आपने अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर डालूँगी और 1/2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, या आप हसब ज़रूरत अपनी मतलब चॉइस के मुताबिक डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपने 1 कप दूध लेना है। ठीक है, आप फुल क्रीमी भी ले सकते हैं और आप वो क्रीम के बगैर भी ले सकते हैं। फिर आपने इसको पकाना है। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है कि कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच आपने लेना है पानी के अंदर, उसको मिक्स करके आपने वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि जो है वो चिकन और प्याज वो सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ना इसके अंदर सही तरह पके। और जब चिकन पक रहा होगा तो आप दरमियान में क्या करना है, आपने लेनी है क्रीम या आप इसकी जगह मलाई भी ले सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून लेनी है और आपने एक जो लेमन है वो उसके अंदर निचोड़ देना है। फिर आपने इस क्रीम को या मलाई को आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और मिक्स करना है। फिर उसके बाद आपने 2 से 3 कटी हुई ग्रीन मिर्ची लेनी है, वो भी आपने ऐड कर देनी है और अब आपने इसको पकने देना है जब तक ये सही तरह क्रीमी नहीं हो जाता और इसकी जो ग्रेवी होती है वो थिक ना हो जाए। 10 मिनट रखने के बाद 2 फ्लेम पे अब ये बहुत अच्छी तरह पक चुका है, तो इसको मैं डिश आउट कर लूँगी और डिश आउट करते वक्त आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना हुआ है, शक्ल से कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको पसंद आई हुई रेसिपी सिंपल सी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।